Um, my parents tried to give us everything that they possibly could. Um, Manish knows my parents very closely. He knows the amount my mother has, you know, done to get to where I am today. So just to give an example, and because it's close to home in terms of Swedhaga, uh, there was one time that I had to participate in a dancing, uh, like a dance thing in school competition in school, and the school was asking for a certain fee that you have to pay for the clothes. So I was so excited I was chosen to be part of this, and I went to my mom and I said, i choose going you choose. And all. And she was very happy. And my you know, my dad also was. But then she said, Ki, how much are they asking for? Then I told her price. Tha. So my mom's like, no, we can't uh, pay this right now. We um, have to pay for all of these And I was so devastated Ki badi opportunity. Milte. And you don't realize it as a child, what all your parents are doing to to put you, you know, where they where they are. But despite that, my mom did not यू नो लेट माई अपॉर्चुनिटी गो वेस्टेड उन्होंने खुद बैठ के रात भर सिला था सो शी सो आई थिंक आई एज अ पिक्चर ऑन ऑन लाइन ऑल्सो ऑफ दैट लुक ऑफ लुक ऑफ़ माइन एम ड्रेस्ट एज अ नर्स दैट वॉज द फर्स्ट टाइम इन सेवन एजेस ऑफ अ मैन आई स्टिल रिमेंबर एंड शी स्टिच द बरे एंड शी स्टिच द ड्रेस फॉर मी एंड उसी के एक दो साल बाद एक एक सीक्वेंस उन्होंने घाघरे के ऊपर एक गाना था इला रूम के गाने गाने पर डांस डिन स्कूल सो एक सीक्वेंस उन्होंने मेरे कपड़ों पर So I know, you know, I have gone through that time where we did not have, uh, you know, the kind of money that you know we have today and the kind of life that I can provide to my family today. But I guess I think uh, your parents never let you see that. You never, you never realize it till till I got my first film, um, and I was driving back, and suddenly I was like, "Ye to." पहले तो नमस्कार प्रणाम आदाब सत श्रीकाल जब भी मेरा ट्रेलर बाहर आता है तो मुझे ऐसे लग रहा है मेरा रिपोर्ट कार्ड आने वाला है तो वो जो एक्साइटमेंट होती थी ना कि यार आ, आ, कैसे होने वाला है क्या होने वाला है और मेरे घर में तो मतलब माय डैड बिल्डेड अप सो मच जाने के पहले और माय मॉम लुक्स एट मी जैसे मैं आई एम गोइंग फॉर वॉर समथिंग बेटा सो बहुत ही एक फिल्मी सीन हो जाता है घर से ही तो द फर्स्ट थिंग एक्चुअली जो मैंने आज पहली बार किया क्योंकि मेरी नीस अभी अभी आई शी धोनी फिफ्टी फाइव डेज तो मैंने जाके उसका आशीर्वाद ले लिया तो शी स्लीपिंग तो थोड़ा डिले हो गया था मैं बट फिर उठ के ऐसा उसने किया और हल्का सा शी मतलब आई डोंट थिंक सो शी नोज वाट्स हैपनिंग बट आई टोक इट लाइक उसने मुझे ब्लेसिंग दे दिया सो so ये फिल्म बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए अनुष्का के लिए इट डील्स विद सो मैनी थिंगस दैट जो शब्दों में मैं शाय, शायद बयान कभी नहीं कर पाऊँ बट इट्स अ सेंस ऑफ प्राइड इट्स अ सेंस ऑफ द सेंस ऑफ वॉट यू फील टू बी इंडियन एक भारतीय नागरिक होने का जो जज्बा होता है हमारे दिल में वो कभी हम लोग बता नहीं पाते हैं बिकॉज पेट्रियाटिज्मजन ऑलवेज हैव टू बी सेड इट हैज बी फेल्ट आई फील तो ये फिल्म करते करते मुझे एक आई फेल्टैट यू नो आई वु वुड फील सो कंट्री प्राउड जब मैं चंदेरी में शूटिंग कर रहा था या भोपाल में शूटिंग कर रहा था या दिल्ली में शूटिंग कर रहा था यू नो एंड स्पेशली जब हम लोग विलेज एरिया में शूटिंग कर रहे थे टू तो बी अराउंड दिस पीपल एंड सी द लाइफ इट वॉज अमेज़िंग फेल दैट वाओ वो अ ब्यूटिफुल कंट्री इंडिया इज एंड इन लोगों का जो टैलेंट है जो पैशन है एंड जिस तरीके से वो लोग जिंदगी जीते हैं ये फिल्म उस मैंने उस वजह से की है एंड आई होप दैट यूल विल ऑल्सो इन्जॉय द जर्नी ऑफ सोई धागा मेड इन इंडिया

एंड मुझे हमेशा से इंडियन फिल्म करना है जो मतलब हमारी जो हमारी जो जनता है इट आउट टू एवरी पार्ट ऑफ इंडिया एंड आई रेड दिस एंड आई फेल्ट की आई कैन नॉट लीव दिस फिल्म दिस फिल्म आई हैव टू डू एंड आई हैव टू बिकम मॉजी यू नो सो आई फिगर आउट एवरीथिंग एल्स एंड आई मेड श्योर आई एम अ पार्ट ऑफ सुइा का फिर उसके बाद बहुत काम करा है लोग ने बहुत रोटी के लाले पड़ गए थे मेरे पर चलेगा अनुष्का ओके बिफोर वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन यू आंसरिंग सॉरी

that i can play this character i told him this i said listen your story is fabulous i'm so happy that you're making i'm so happy yashraj is making this film but i don't think i i don't know if i can do this role i don't think i can play this character it's besides my personality on another level i have always wanted to challenge myself as an actor but this is something that i like i'm not understanding the, the, the way i can do this role it's against my grain on another level so I was very afraid, so I told him. I said, "I don't think I'll do justice to this." And he was extremely convinced. Him and Manish were supremely convinced. I think Sharat even more than Manish. Both me and Adi thought, "No, But Sharat and Sharat was extremely convinced. So was Manish. And he kept. He came to my house. He he explained to me how he's looking at the character, um, how he thinks, and why he thinks I am actually the right fit for the role. Um, and uh, and yeah and i think i'll be very honest i went with his faith in me more than my own faith in myself um, and i am so happy that uh, i actually did that because i'm so proud that i'm part of this film and i'm so proud that i have played this character um, so yeah that's that's the weird story uh, one second sorry sorry uh, just before this we'll have to invite Sharatsa Sir manisha Sir, they're here with us so uh, could we have you on the stage please and we have a big round of, round of applause for these Mr. Manish Sharma. Sharma welcome 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 Mr. sharat kataria director welcome welcome we <laughs> like sides of this just jump here you got a fit boy manish you're a young guy yaar ae londe ho tum aao you betna padega what are you doing you the director आप दोनों ने uh, अनुष्का वरुण एक एक बेंच। एक बेंच बना एक लेता हम लोग एक, एक सेकेंड इसे बोलते हैं एकता आप दोनों ने सिलाई की भी ट्रेनिंग ली है हमने तस्वीरें भी देखी थी इंस्टाग्राम पे समय समय पे। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अभी आप लोग मतलब बनाने में सक्षम हो चुके हैं सिलाई के दौरान मैं पहले ये बता देता हूँ मुझे सिलाई बुनाई के बारे में कुछ नहीं पता था uh, मेरे मॉम के पास एक स्टूडियो होता था फिनिशिंग टचेज पहले You're तो मुझे नहीं पता पर एक शख्स है जिनको उनका नाम है नूर नूर भाई हु इज़ अ टेलर इन वायर एफ तो उन्होंने मुझे सिखाया है जो भी मैंने सीखा है एंड आई एक्चुअली स्पेंड बिकॉज शरद वॉज वेरी पैरानोइड अबाउट दिस एंड मनीश ऑल्सो कि तुम नहीं कर पाओगे यार तुमको घुसना पड़ेगा इसमें या द वीकेस्ट पार्ट तुमको ये सीखना पड़ेगा ये करना पड़ेगा सो आई स्पेंड एक्चुअली गुड टू एंड अ हाफ मंथ्स जस्ट लर्निंग एवरी डे स्टिचिंग वॉट टू डू हाउ टू डू बिल्डिंग अप द स्पीड गेटिंग द सिंग्रोनाइजेशन विद द लेग एंड हैंड और पहले तो पहले तो यही सीखना पड़ता है कि धागे को आप सुई में डालते कैसे हो कई बार नहीं जाता है तो आपको काटना पड़ता है एक से तब वो टिप बनती है और तब जाती है तो इससे आपको पता चल गया होगा कि मैं कितना माहिर हूँ इन चीज़ों में मैंने बुनाई की है एम्ब्रॉयडरी करी है सिलाई नहीं सिलाई नहीं करी मुझे बहुत मज़ा आया एक्चुअली बचपन में सुी वो बहुत क्रोशे एम्ब्रॉयड्री बहुत किया करती थी उनकी इनफैक्ट दुकान भी है देहरादून में वहाँ पर जाके प्लीज जाके स्वेटर खरीदिए स्वेटर खरीदिए स्वेटर खरीदिए सो शी यूज़ टू डू क्रोशे एम्ब्रॉयड्री माई मदर हैज़ लर्न टल्सो सो माई मम इज़ वेरी गुड विद लाइक सिलाई एंड यू नो एम्ब्रॉयड्री इनफैक्ट वो सिलती भी थी कपड़े तो कहीं ना कहीं आई फील लाइक उनको देख दे के देख दे के इट यू नो वो होता है एक सम कांड ऑफ मेमरी इज़ देर सो वेन आई स्टार्टेड टू डू एम्ब्रॉयड्री

She didn't come back only to us. <laughs> yeah. And we called back, what are you doing? And to, um, my hands had turned blue. And you have to put it precisely so that it looks like one single print, you know. And it's very difficult. So I think what's happened with Varun and me, which is such a great thing about being an actor, is because of films that we do and we're so happy that we get films like, you know, what Manish and Sharad have offered us, that you get to know about something that you don't know about otherwise. Like, ab what a life of a tailor would be, how much skill does it require, what ki different kind of arts... Uh, handicrafts and art is there in this country you get to do it you get to learn it so your appreciation and value for it increases on an another level you know so your awareness increases so i'm very happy that you know you guys offered this film to us because not only do we feel proud to be part of this film but also to learn all that we have through it hello this, this is, is your look of uh, humility <laughs> Manish's look of humility if you want an anchor or reporter, editor, cameraman or script writer तो हमें संपर्क कर